मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएमवेली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी। क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड प्लस 2 शॉप्स रेडी होने पर है। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल है। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट करें। अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल से गायब हुआ अचानक पहली का बच्चा, अभिभावकों के पूछने पर स्कूल मैनेजमेंट ने खड़े किए हाथ। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 10 अगस्त गुरुवार को कौसा स्थित अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश प्राइमरी स्कूल में एक घटना घटी, जिस घटना ने खलबली मचा दी। पहली कक्षा का एक छात्र, फर्स्ट स्टैंडर्ड का एक बच्चा, बड़ी बहन द्वारा स्कूल में छोड़ने के बाद अचानक गायब हो जाता है और फिर 2 बजे स्कूल वाले परिवार को सूचित करते हैं। उसके बाद परिवार वाले पहुंचते हैं। पहले तो स्कूल प्रबंधन किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, ना ही प्रिंसिपल, ना ही यहाँ का काम करने वाला स्टाफ। अधिकृत रूप से यहाँ से स्कूल की तरफ से बात करने कोई भी सामने नहीं आया। मगर यहाँ पर किस तरीके का माहौल था जब ये पेरेंट्स, ये अभिभावक वहां पहुंचे हैं और उन्होंने स्कूल के जो बाहर खाला माँ जिन्हें कहती है, वो महिलाएं खड़ी होती है, उनसे बात की है, फिर टीचरों से बात हुई है, किस तरीके से बात हुई है। माँ बाप थोड़े उद्वेलित थे, बच्चा अचानक गायब था। उसके बाद क्या कहा इन माँ बाप ने, क्या जानकारी दी इन लोगों ने बच्चा गायब होने पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अंत में आपको बता दें कि दोपहर में तकरीबन 4 बजे के बाद फिर ये बच्चा वापस मिल गया, ऐसी सूचना भी इस परिवार ने दी है। मगर सबसे बड़ी बात कि जैसा दावा इस परिवार द्वारा किया जा रहा है, इस परिवार की बच्ची द्वारा किया जा रहा है कि बच्चे को बाकायदा स्कूल में छोड़ा गया, बाहर बच्चों को लेने वाली जो खाला माँ होती है उनके हाथ में दिया गया, तो उसके बाद अगर बच्चा चला भी गया है, बच्चा है, भाग भी सकता है, सब कर सकता है, उन संभावनाओं से माँ बाप भी इनकार नहीं कर रहे। लेकिन उस संबंध में फिर कैसे स्कूल प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को नकार सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो स्कूल मैनेजमेंट को इस संबंध में सोचना चाहिए और ऐसे मामलों को संवेदनशीलता से इसको देखना चाहिए और इसको पूरा हैंडल करना चाहिए सेंसिटिवली, ताकि अभिभावक जो है ऐसे वक्त में उद्वेलित होते हैं तो उन्हें हिम्मत बनाए, उनके हौसला अफजाई करे, न कि उनको उल्टे सीधे जवाब दे करके और स्थिति को गंभीर बनाए। तो मैडम कहाँ गए? मैडम वो बिल्डिंग में गए। भाई आ गए, आ रहे हैं। से बात करो ना। अरे आपका बच्चा घूमेगा तो आप भी बहुत हाई पर हो जाएंगे मैडम। हालांकि आप भी मैं बच्चा भी जाएगा, चोरी होएगा या कुछ होएगा, आपका घुमा अच्छा, आपका बच्चा बिल्डिंग से घूमेगा, आप परेशान होंगे। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बच्चा घूम गया है। कैमरा देख रहे हैं ना, उन लोग छोटी बात है, यहाँ तो देख लिए, वो बिल्डिंग में भी गेट है ना, क्या दिखना बच्चा स्कूल से देर तक का लाइन में खड़ा था, रोता था ना, तो उसको वापस हम भेज देते, रोया नहीं। मैं वो गेट की हूँ, अभी ये पेरेंट्स इसीलिए हम लोग मना करते हैं, नर्सरी के बच्चे, ये भी गेट है अपना, इधर से भी गेट है अपना, मैं वहाँ रोकती हूँ। लेकिन एक बात सुनिए ना मेरी खाला, स्कूल के अंदर से बच्चा गायब होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन? गायब नहीं तो कहाँ गया? कहाँ गया? वो खुद ही गया। कहाँ गया? लेकिन आप तो इतने बच्चों में से गया तो भी इतने बच्चों कह रहे हैं इतने बच्चे आप लोग चिल्ला के कुछ मत करो। अरे आपका बच्चा जाएगा, आप चिल्लाएंगे नहीं, ऐसी बात करें आप खाला मां।
खड़ा ही नहीं तू, पूरा तो पूरा मोहल्ला खड़ा कर रहे हैं आप। बच्चा हमको बहुत जीरो बात कर रहे हैं, सब कर रहे सब दूरे पहले नहीं, ये सब जिम्मेदारी पहले की कर रहे हैं। अभी बच्चा चोरी होने के बाद जिम्मेदारी, अभी बच्चा जिम्मेदारी कर रहे हैं। अभी पहले ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए था ना, पहले ये करना चाहिए। आप लोग निभाए नहीं पहला, आप घूमने के बाद कर रहे हैं। बच्चा गया है और एक घंटा में आप टाइम कितना हो रहा खाला, वो तो देखो एक घंटे के बाद जब देखे और मैडम को बोले तो बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बाहर लेके जाओ उसको, बाहर लेके जा। ठीक है हम लोग यही है प्री मैच, चप्पल गिर गई उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय। अक्षय आप अभी बता रहे थे कि आप ये अब्दुल्ला पटेल स्कूल में आपने अपने बच्चे को छोड़ के गए थे, टीचर के हवाले स्कूल में पढ़ता है, कब छोड़ के गए थे और कब हुआ था? हम लोग ये बच्ची आई थी छोड़ने के लिए 12:45 बजे, तो जब आई ना तो बच्चा भाग रहा था, सुनो ना, बच्चा भाग रहा था तो खाला ने खाला माँ के हाथ में हैंड ओवर करे, पहले खाला माँ ने टीचर के हाथ में हैंड ओवर करे, तो टीचर ने खाला माँ को दिए, खाला माँ भी फिर झूठ क्यों बोले, खाला माँ भी फिर झूठ बोल रहे इसने बच्चे। हाँ बोलो बोलो बोलो। और कंप्यूटर क्लास से चले गया, अभी मैडम और टीचर का फोन आया, टीचर का फोन आया, बोले बच्चा स्कूल में आया ही नहीं हमारे पास। अभी हम लोग तो बोले बच्ची ने छोड़ दिया। कितने बजे छोड़े थे आपने? 12:45 बजे। हाँ, और 2:45 बजे कॉल आया। 12:45 बजे। क्या नाम था आपके बच्चे? हसनैन नाम है। कितने क्लास में? फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट में था। अच्छा, यहाँ पे कौन सी टीचर के हाथ में दिखे? क्या नाम? सबा मिस के हाथ में। तो आपने अभी प्रिंसिपल से बातचीत करने की कोशिश की क्या? जी हाँ, हम लोग क्या बोले, बच्चा आया ही नहीं क्लास में, हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम बच्चा है। बच्चा आपने मतलब प्रीमाइसर के अंदर दिए थे या बाहर दिए? अंदर अंदर के हाथ में लेकर आए क्लास टीचर। अभी अभी खाला माँ का ये कहना है बच्चा ना उधर से पीछे से भी भाग सकता है, भाग सकता है, तो तुमको शोर होगा ना कि बच्चा भाग गया, तो ये तुम्हारा काम करना, उसको जाके पकड़ना, बच्चे को पकड़ना, पेरेंट्स के हाथ में देना, तुम उसको एक लाफारी मार देगा, हम नहीं पूछते। और अभी तरह कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, और मैडम को टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके पेरेंट्स नीचे चिल्ला रहे कि इनकी जाके हम लोग हेल्प करें। हाँ, लोगों को पूरे हेल्प नहीं मिला, नहीं मिला, आपने अभी पुलिस कंप्लेंट करने गए थे? जा रहे थे, अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं, आप लोग को बुला इसके लिए जा रहे थे हम लोग, तो बोले आप लोग के पहले न्यूज बना देंगे फिर हम चौकी में कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, अगर बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन है? वही हम भी पूछना चाह रहे हैं, पब्लिक से भी पूछना चाह रहे हैं, स्कूल वाले से भी पूछना चाह रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मैडम है, टीचर है, खाला माँ है, कौन जिम्मेदार है? लेकिन अभी हम तो नहीं ले रहे, हम तो चार महीना पूरी बराबर दे रहे, तो उसकी जिम्मेदारी बच्चे की, अंदर आ गया गेट के अंदर तो बच्चे लोग की जिम्मेदारी है ना, तो मैडम और टीचर बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर बच्चे लोग को स्कूल पढ़ा के कुछ मतलब ही नहीं है, घर में बढ़ा दो फिर। अब और बच्चा भागता है, ये भागता है, वो तो छोटा बच्चा है, वो भागेगा, तुम तो बड़े हो ना। प्रिंसिपल ने क्या कहा? अभी प्रिंसिपल बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बोलते प्रिंसिपल सीधा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जो करना है वो करना है, वो करो। हाँ, लेकिन प्रीमाइसर के अंदर की जिम्मेदारी स्कूल की और मैनेजमेंट की होती है। हम नहीं जानते भाई, तो ये बात तो हम नहीं जानते क्या स्कूल वाले की जिम्मेदारी, लेकिन स्कूल वाले डायरेक्ट साफ इनकार कर रहे हैं। बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में था? फर्स्ट स्टैंडर्ड में था। क्या एज है बच्चे की? बच्चे की एज क्या है? 5 साल। 5 साल फर्स्ट में। और फिर अभी अगर बच्चा सपोज मिल भी जाता है तो फिर उसके बाद इन लोग कैसा बच्चे के साथ रहेंगे, टॉर्चर करेंगे बच्चे को, हर चीज में दूर रखेंगे, हमारे बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देंगे। स्कूल की जिम्मेदारी है, वही तो आप अभी मैडम और टीचर बोलते हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा